आप देख सकते हो किश्तवाड़ में बारिश के बाद जो हलचल मची है, लोगों के घरों में पानी चला गया है, ड्रेन्स ब्लॉक है, पूरा सिस्टम ब्लॉक है। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो है वो अब जायज़ा लेने के लिए निकले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से प्लास्टिक और पॉलीथीन की बात आ रही है। ये यहाँ पर ड्रेन बनी हुई है लेकिन सारी जो है वो ब्लॉक है। आप देख सकते हो इसकी तरफ मेंटेनेंस की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। पंचायत का ये एरिया पड़ता है और पंचायत में सफाई के नाम पर, नरेगा के नाम पर करोड़ों के फंड्स आते हैं और इन ड्रेन्स को जो है वो मेंटेन तक नहीं किया गया। अगर नरेगा में ही इसकी सफाई कराई जाती, जो स्वच्छता का पैसा आया है SBM के नाम पर करोड़ों पैसा आया है, वो पैसा कहाँ है, किधर है, किसी को पता नहीं है। एम्बेजलमेंट जो है वो कई करोड़ों की है RDD में। तो अगर इस ड्रेन को जो है वो खोला जाता तो कितना अच्छा होता, और जो SBM में जो है इसको देखा जाता तो कितनी अच्छी बात थी। आप देख सकते हो डिप्टी कमिश्नर के साथ तहसीलदार किश्तवाड़ भी है और नायब तहसीलदार भी है और बाकी ऑफिशियल्स भी है यहाँ पर। PMGSY के ऑफिशियल है, RNB के ऑफिशियल हैं, म्यूनसिपल्टी के ऑफिशियल हैं। हालांकि ये जो है ये एरिया जो है वो ब्लॉक में पड़ता है, यानी कि अब जो नया नोटिफिकेशन निकला है उसके हिसाब से अब ये एरियाज जो है तमाम जो है वो म्यूनसिपल्टी में आ जाएंगे। अब तकरीबन 26 वार्ड जो है वो किश्तवाड़ म्यूनसिपल काउंसिल में जो है होंगे। ये लिस्ट आपको अभी शेयर कर देंगे कंसेंट पर ही, वो उसी साइड पर जहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं। ये मंदिर के पोल हटा देंगे और उसके बाद आगे वाला एरिया जो ट्रेन अगला कलवट है, अब कच्चा कनेक्ट कर दो तो उससे क्या होगा कि जल्दी से शुरुआत हो जाएगी एंड देन पक्का वाला काम हम धीरे धीरे करते हैं। अभी क्या हो रहा है ना, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हम बोलते हैं एक्सकवेशन करते हैं, लोगों को भी एक गारंटी मिल जाएगी कि हाँ हमारा इस जगह पे ड्रेन पूरा बन रहा है। अब वो सीमेंटिंग कब तक होगी, दैट इज अनदर मैटर, लेकिन एटलीस्ट वो पानी निकलने लग जाए। उसी तरह यहाँ पे ना, अगर हम कच्चा एक्सकवेशन करवा लें तो मुझे कलवर्ट इनका उसके बाद बनेगा, तब कलवर्ट है तभी बनाएंगे। चलो हम संग्राम बाटा चल रहे है। आप देख सकते हो कि ये ड्रेन जैसे ये है, यहाँ से जो है वो संग्राबाटा से अब यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जो है वो देखने के लिए जो है विजिट करने के लिए आए हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो ब्लॉक में जो है वो करोड़ों रुपया आया है स्वच्छता के नाम पे, म्यूनसिपल्टी में आया है। हालांकि हम लोगों की भी गलतियां, हम भी जो है वो पॉलीथीन जो है वो डालते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, बॉटल्स डालते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो है वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं। पाइप डाल के फिर उसमें सर ऊपर से स्लैब डालेंगे थोड़ा सा, ये ऊपर चढ़ा। अरे यार वो पाइप से और नैरो हो जाएगा फिर सर। आप पाइप डालोगे, आप पाइप डालोगे उसका पहले एरिया कम होता है, उसमें पानी नहीं निकल पाएगा अभी का, फिर भी ज्यादा है सर। ये तोड़ के बनाना पड़ेगा। इतना बड़ा भी ब्लॉक हो गया, इसका मतलब पाइप तो 2 मिनट में ब्लॉक होना है सर। जेसीबी तो 10 बार आया इधर खड़ा, इधर कितना बड़ा खड़ा हो गया है इधर, उसी से हो गया। बचा ही जाएगा इसे पता ही नहीं लगेगा, बाइक वाला कोई आएगा ना, बाइक ये वाली गाड़ी जाएगी, ये नहीं यहाँ तक है सर। 12 फुट 12-13 फुट और नमाज पे जाते हैं सर। आप देख सकते हो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो है वो आए हुए हैं यहाँ पर, लोग उनको बता रहे हैं कि उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये देख रहे हैं आपकी पॉलीथीन किस तरह से जो है वो पानी में जो है वो बह रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ इस वक्त खुद मौके पर आए हुए हैं, यहाँ पर जो है वो मौका ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने दिखाया भी था आपको पहले वीडियो में कि किस तरह से जो है पानी ने जो है यहाँ पर जो है एक तरह से लोगों पर केयर जो है वो डाल दिया है। जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि काफ़ी
पैसा जो है वो SDM के तहत निकाला गया, RDD में नरेगा के तहत करोड़ों रुपए निकाले गए हैं। अब ये सिर्फ किश्तवाड़ ब्लॉक की बात नहीं है, बाकी जगहों की भी जो है ये बात है। म्यूनसिपल्टी में जो है जो हमारे पिछले जो करप्ट EO थे जिन पर केसेस भी लगे हुए हैं, 56 लाख रुपए जो है वो अवेयरनेस पे निकाला था, हमें कुछ लोगों ने बताया था। वहाँ पर भी जो है करोड़ों की एम्बेजलमेंट है। SDM के बाथरूम लोगों को बनाने थे, उसमें जो है वो पैसा करोड़ों का निकाला गया है। उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, लेकिन अभी तक जो है वो डेड एंड पे ही है। बड़ी मुश्किल से जो है जो EO यहाँ पर पहले थे म्यूनसिपल्टी के, उनको हटाया गया था। और भी अब म्यूनसिपल्टी से स्कैंडल्स की खबरें आ रही हैं, उन पर हम वर्क आउट कर रहे हैं कि उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि फिर हम जैसे हमें उस पर डाटा मिलेगा वो भी लाएंगे हम आपके सामने। जहाँ तक सिस्टम में करप्शन है उसकी वजह से जो है ये सब चीज़ें हो रही हैं। जो ड्रेन बनाई थी NHIDCL ने, वो भी जो है सब स्टैंडर्ड मटेरियल उसमें यूज़ किया गया था, वो भी जो है एक परेशानी है। यहाँ पे प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे अगर हम प्लेन रखेंगे यहाँ पे हम बना सकते हैं ट्रेन को डूबे वाली जगह, लेकिन मेन वो जो हमारा कन्वर्ट है ना वो अगर खुला बनेगा बस ये वाला कन्वर्ट खुला ही है यार। कन्वर्ट नीचे से बना के ना सर वो पूरा खोल देंगे, पूरा खोल देंगे, पानी खत्म होने को वो पूरा कन्वर्ट होगा। ये अभी ये जो पाइप है ना उनको भी शिफ्ट करना पड़ेगा, वो उसको कन्वर्ट के फ्लो को कम कर रहा है सर, उनको आप खोल आप देख सकते हो। यहाँ पर हम संग्राबाटा में हैं, इधर पर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ आए हुए हैं, उन्होंने जो है वो काफ़ी जगह का दौरा किया है। और TRC के बाहर भी जो है वो ऐसे ही हालात हैं। हमने पिछली बार आपको दिखाया था किस तरह से जो पानी है वो आर्मी कैंप में जा रहा था, फिर आर्मी के लोग भी जो है वो वहाँ पर इन्वॉल्व हुए थे। ये आप देख सकते हैं इस वक्त ब्लॉकेट जो है वो पॉलीथीन की वजह से है और प्लास्टिक बॉटल्स की वजह से है, प्लास्टिक बैग्स हैं, जूट बैग्स डाले जाते हैं। मैंने कि यहाँ तक ये बताया कि सैनिटरी पैड्स तक और कंबल्स भी जो है वो किश्तवाड़ टाउन के ट्रेन में जो है वो मिले थे। मैं फिर से बता दूं, करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है जो SDM में, चाहे वो RDD डिपार्टमेंट हो चाहे म्यूनसिपल्टी हो, लाखों करोड़ों रुपए जो है वो निकाले गए हैं। उसकी जो है वो तहकीकात करने की ज़रूरत है। और आज जो ये हम नज़ारा देख रहे हैं जो किश्तवाड़ शहर का और जो एडजाइनिंग एरिया जो पूरा जो है वो एक तरह से हल्ट हो चुका है, बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस रहे हैं, ड्रेनों की वजह से जो है लोगों को डैमेज हो रहा है। कल भी हमने आपको वार्ड नंबर 13 से रिपोर्ट दिखाई थी, वार्ड नंबर 9 से रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से जो है वो लोगों के घरों में पानी घुसा है, लोगों के किचन में पानी घुसा है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इसकी जाँच कराएँ। जो पिछली बार जो म्यूनसिपल्टी में यहाँ SDM का स्कैंडल है जिसमें लोगों को बाथरूम बनाने के लिए पैसे देने थे, वो पैसा जो है वो निकाला गया है और कोई बाथरूम भी नहीं बना है। और जो दो फार्मर EOs थे उनके साथ मिलकर जो है वो एक अकाउंट डोडा में खोला गया था, उसमें वो पैसे वहाँ से जो है फिर विड्रा किए गए थे और अनअकाउंटेड पैसा जो है वो निकला है। म्यूनसिपल्टी में काफ़ी और भी स्कैंडल जो है वो अब सामने आ रहे हैं और हम उनको जो है वो एनालाइज करेंगे और देखेंगे। हालांकि पहले इनपुट सिर्फ आए हैं, हम उनको कोशिश करेंगे कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन में जो है उनको जो है वो डिवेल्प करें और फिर उसके बाद जो है वो हम उसमें रिपोर्ट भी करेंगे और गवर्नमेंट को भी जो है वो अप्रोच करेंगे। आप देख सकते हो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ इस वक्त संग्राबाटा एरिया में जो है वो मुआयना कर रहे हैं।